भगवान के नाम पे नंगा नाच ये लोग करते हैं। मैं स्पष्ट कहूंगा, नंगा नाच होता रामनवमी के दिन कि मस्जिद की आवाज हो, मस्जिद की अजा हो, कि सवाले का गजर हो, अपनी तो ये हसरत है कि किसी तरह शहर हो। वहाँ तो कई लोग लापता हैं, श्री राम जी भी लापता हैं, कईयों का घर जला दिया गया, मदरसे जला दिए गए, और वहाँ एक बार नहीं, वहाँ पे कई बार इस तरह के हमला हो चुका है, इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। सरकार जान रही थी कि अगर इस तरह की घटना है वहाँ, उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की? ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्री प्लान साजिश थी मुख्यमंत्री जी के गृह जिला को बदनाम करने की भी, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी पूरी तरह से लचर और सुस्त नजर आई। इन लोगों की गिरफ्तारी रामनवमी से पहले क्यों नहीं होती है? इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जहां दो धड़ा में हमारा बिहार बटा हुआ था, और वहां पे क्या करते, उल्टा लटका के मारेंगे? किसको उल्टा लटका के मारिएगा ये भी बता देते हैं? बजरंग दल से लड़ने वाले को उल्टा लटका के मारिएगा कि आरएसएस से लड़ने वाले को? रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसक झड़पें हो गई, और उसके बाद पार्टी जो है अपने तरह से अपने अपने तरीके से बयान देने लगी। बिहार विधानसभा में कार्रवाई, कल पप्पू यादव अपने पूरे जत्थे के साथ वहां पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। हमारे साथ जन अधिकार छात्र परिषद के मनीष यादव है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप भी वहां गए थे, आपको भी रोक दिया गया, आपने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि हालात कैसे थे, क्या मामला थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने आपको रोका। किस वजह से रोका था वहाँ जाने से? देखिए, घटना तो इतना बड़ा है कि शायद सरकार उसको सही तरीके से बता नहीं पा रही है, शायद उस तह तक नहीं पहुंच पा रही है। स्थानीय लोगों से जो बात हुई, वहां तो कई लोग लापता हैं, श्री राम जी भी लापता हैं, जो लोग राम जी को लेकर चले थे वो राम को भी कम से कम ढूंढ के ले आए भाई। वहां कई घिनौने अपराध इस दंगे की आड़ में किए गए हैं, कईयों का घर जला दिया गया, मदरसे जला दिए गए, किसका बेटा उस रात से लौटा नहीं है, कोई सूद लेने वाला है क्या, कोई पूछने वाला है क्या? सिर्फ और सिर्फ मैं सरकार की भी निंदा करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला पड़ता है, और वहाँ पे इस तरह की वारदात, और लगातार तीन दिन तक घटनाएं चली है। कहाँ थी प्रशासन जब आप जान रहे हैं कि वो सेंसिटिव इलाका है, और वहाँ एक बार नहीं, वहाँ पे कई बार इस तरह के हमला हो चुका है, इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। सरकार जान रही थी कि अगर इस तरह की घटना है वहाँ, उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की? पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, डीएम क्या कर रहे थे, कमिश्नर क्या कर रहे थे, वहाँ स्थानीय थाना प्रभारी क्या कर रहे थे? सवाल ये उठता है, क्या ये दंगा जानबूझ के करवाया गया? वहाँ दंगा में इतने दूर दूर से जो लोग आ रहे थे अस्त्र शस्त्र लेकर, उस पर पुलिस ने अंकुश क्यों नहीं लगाई? क्यों नोटिस जारी नहीं किया कि आप अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करिएगा, ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए? ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्री प्लान साजिश थी मुख्यमंत्री जी के गृह जिला को बदनाम करने की भी, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी पूरी तरह से लचर और सुस्त नजर आई। शायद मैंने देखा, आप जब वहां गए, हालात ये ऐसे कैसे आ गए कि धर्म का जो मामला होता है वो मोहब्बत और प्यार की बात होती है, रामनवमी के त्यौहार पर आप देखेंगे शरबत पिलाया जाता है, रमजान का त्यौहार, ये हो कैसे जाता है ये नफरत? सवाल पे तो इतना ही कहूंगा कि मस्जिद की आवाज हो, मस्जिद की अजा हो, कि सवाले का गजर हो, अपनी तो ये हसरत है कि किसी तरह शहर हो। हमारी हसरत थी, और हमारी, हम जैसे सेकुलर लोगों की, हम कम्युनल तो हैं नहीं, या फिर हम आरएसएस और भाजपा के लोग तो हैं नहीं कि हम ये कह दें कि सिर्फ रामनवमी मनेगी, रमज़ान नहीं होगा, सिर्फ अजाने होगी, ये संगीत नहीं गाए जाएंगे। ये पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस, बजरंग दल को तो हमने कहा है कि बजरंग दल के एक लोगों को जेल भेजिए। दंगा करवाने में बिहार में मुख्यतः बजरंग दल और आरएसएस के लोग हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी रामनवमी से पहले क्यों नहीं होती है? इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? भगवान के नाम पे नंगा नाच ये लोग करते हैं। मैं स्पष्ट कहूंगा, नंगा नाच होता रामनवमी के दिन। हम, भगवान हमारे दिल में है, हम लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन हम इसको अब त्यौहार की तरह नहीं, इसको राजनीति की तरह इस्तेमाल करना, और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का इनमें हाथ है, इस बात को आप जान लीजिए, वरना भाजपा क्यों एक टुक जवाब नहीं दे रही है? क्यों सवाल, और अमित साहब पूछते हैं कि दंगइयों को जवाब देना चाहिए? अरे अमित साहब को शर्म आनी चाहिए कि आप नालंदा गए और पीड़ित परिवारों से नहीं मिले, आप वापस आ गए। ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग, और दंगा होने के बाद वहां आप क्या करने गए थे? ये पूरी तरह से आप वहां हिंदू वोट बैंक को कलेक्ट करने के लिए लटका देंगे, सरकार आएगी। अरे भाई, हम टांग देंगे, आप तो सुन लीजिए,
हम तो कह रहे हैं कि आप वहाँ प्री प्लान साजिश थी कि दंगा के बाद हमारा वहाँ कार्यक्रम लगेगा। ये बिहार शरीफ का दंगा नरेंद्र मोदी अमित शाह का प्री प्लान साजिश था, वरना भाजपा कार्यालय अमित शाह नहीं आए। अमित शाह को उद्घाटन करने जाना था, अमित शाह वहाँ नहीं पहुँच पाए और अमित शाह नालंदा पहुँच गए जहाँ दंगा का माहौल था, जहाँ दो धड़ा में हमारा बिहार बटा हुआ था, और वहाँ पे क्या करते, उल्टा लटका के मारेंगे। किसको उल्टा लटका के मारिएगा ये भी बता देते हैं। बजरंग दल से लड़ने वाले को उल्टा लटका के मारिएगा कि आरएसएस से लड़ने वाले को? आप लोग हिंदू मुसलमान करवाते हैं, पिछड़ा थी पिछड़ा के हाथ में लाठी और हथियार दे के एक सफ में खड़ा कर देते हैं, और उसके बावजूद जब अधिकार की बात आती है तो आप ही से लड़ने में हम लोग जेल चले जाते हैं, हमारा अधिकार आप ही जैसे लोग छीनते हैं और हमें फिर हिंदू बना देते हैं। पूरी तरह से हिंदुत्व मानसिकता भाजपा और बजरंग दल जैसे बड़े, और मैं खुल के नहीं कहूँगा लेकिन कहीं ना कहीं यही लोग जो आज सरकारी नौकरियों पे कब्जा किए हुए हैं, ठेकों पे कब्जा किए हुए हैं, ऐसे ही लोग दंगा करवा रहे हैं। ताकि पिछड़ा कौन लोग वहाँ लड़ रहा था? सारा जादव और पासवान लड़ रहा था मुसलमानों से। कौन वहाँ जादव राजपूत भूमिहार लड़ रहा था? ये लोग हमारे हाथों में हथियार देकर उतना ही बार हम हिंदू रखेंगे जितना बार हम किसी से लड़ सकें, उनको मार सकें। उसके बावजूद संसाधनों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे हमारा अधिकार जीरो होता है। मैं तमाम भाइयों से कहूँगा कि अमन शांति बनाइए और सब लोग मिलजुल कर रहिए। ये भाजपा और ऐसे सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे हम लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है। ये थे हमारे साथ मनीष यादव, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि दंगा से किसी को भला नहीं होता, वहाँ पर जो हालात थे वो बहुत भयावह थे और अब भी है। जब ये लोग पप्पू यादव के साथ वहाँ गए थे तो प्रशासन के लोगों ने रोक दिया, ये कहते हुए कि अमन बहाली की हम कोशिश कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल लोग हैं, शायद हालात कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ की जो स्थिति थी वो भयावह थी, नफरत की दुकान चलाई जाती है सियासत के दरवाजे से, और ये इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजहब के नाम पर अब लोगों को जातिवाद का जो मामला है उन सारी चीज़ों का कॉकटेल बना करके नफरत फैला रही है। इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है।